जरा सोचो, तुम्हारा एक छोटा भाई है और तुम हमेशा जब भी घर पे रहते हो, बाहर रहते हो, उसको हमेशा ऑर्डर ही ऑर्डर देते हो। ए छोटू चाय बना के लेके आ, ए छोटू फ्लश कर दे, ए छोटू मेरा कपड़ा धो दे, ए छोटू लादी साफ कर दे, ए छोटू जा राशन भरा के लेके आ, ए छोटू 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 लादी साफ कर दे, छोटू छोटू ये सब कर दे, वो सब कर दे, वो सब कर दे। बेचारे को एकदम आप छोटेपन का एहसास दिला दिया आपने उसको, ठीक है। अब वो परेशान हो चुका है और ये सोच रहा है, काश इस बड़े भाई की जगह मैं बड़ा भाई होता और ये छोटा भाई होता, मैं इसकी क्या हालत करता। और इसी बीच आता है थानोस धरती पर और फिर आधी दुनिया ख़त्म करने के लिए वो कुछ लोगों को धरती से ख़त्म करता है, गायब करता है। फिर एवेंजर्स टीम आपको फ्री कराती है 5 साल बाद। आप 5 साल में जब वापस आप घर पे आते हो, क्या देखते हो? आपका छोटा भाई डोले सोले बन गए हैं उसके, और आपसे 10 इंच बड़ा भी हो गया है, ढांसू देखता है, आपसे मजबूत दिखता है। अब आए औकात पे, अब तुम उसकी जगह झेलोगे। और इस तरह से तुम्हारे गायब होने के बाद 5 साल बाद तुम्हारे घर में कोई और आके रहने लगे, जो कि आपसे बहुत ताकतवर है, उसके पास गन भी है। और ऐसा भी हो कि आपकी जीएफ जो 7 जन्म तक साथ रहने की कसमें खाती थी, जानू मैं ना भगवान से दुआ करूँगी कि तुम मुझे 7वें जन्म में मिलो, और वो किसी के साथ फुर्र हो गई है, कैसा फील होगा 5 साल बाद? कुछ इस तरह से भाई हो गया है स्पाइडर मैन फार फ्रॉम होम में। जो सीनियर थे वो जूनियर हो गए, जो जूनियर थे वो सीनियर हो गए, और स्टोरी काफ़ी अलग है। और इसी बीच भाई क्या है, अब ये सब क्या कर रहा है तू? ट्रिप पे नहीं आने वाला है क्या? कर रहा है यार तू, डिस्टर्ब कर रहा है, इधर क्यों आया तू? तेरे पास कोई प्लान है क्या? अरे अपने पास बहुत अच्छे प्लान है, अपने एमजे को प्रपोज करने वाला है। बताओ मैं क्या, मेरा क्या प्लान है भाई? फ्लाइट में मैं अपने बगल वाली सीट में उसको एमजे को बैठाऊंगा और बगल में बैठूंगा, और दोनों साथ में बैठ के रोमांटिक मूवी देखेंगे। उसके बाद मैं उसके लिए एक नेकलेस खरीदूंगा, नेकलेस खरीदने के बाद उसको मैं एफिल टावर के पास जाके मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, फिर हम दोनों की जोड़ी बन जाएगी। ओ सो रोमांटिक। तू क्या करने वाला है? मैं अपनी जीएफ के बाजू में बैठ के खूनी दरिंदे गेम खेलूंगा। ऐसा क्या देख रहा है? अबे कौन करता है ऐसा बे, गर्लफ्रेंड के साथ वो भी हॉरर मूवी हॉरर गेम, क्या चुतिया पाए। ठीक है जाता हूँ चल। तो गाइस जो आपने ये सभी देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो सभी चीज़ें जो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में है। दोस्तों एवेंजर्स के ना होने के वजह से निक फ्यूरी जो है सभी सिक्योरिटी सिस्टम सबको बचाने के लिए वो संभाल रहे हैं सब कुछ। और इसी बीच आता है एक कैरेक्टर मिस्टीरियो, जो कि बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है और काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा लगता है देख के भाई। और हॉल में क्या हल्ला मचा था उसको देख के। तो गाइस आप जब ही लास्ट में देखोगे ना बोलोगे क्या था यार, सही में मतलब थोड़ा अलग ही फील होता है। और वो हैप्पी जो टोनी स्टार्क के साथ रहते थे, हैप्पी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और थोड़ा हंसाते भी है काफ़ी काफ़ी भाई, हैप्पी हैप्पी बनाते हैं। तो फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं है जिससे आपको बोरिंग फील हो, पूरी मूवी आप देख लोगे काफ़ी अच्छा फील होगा। और स्टोरी को एकदम कैरेक्टर टू कैरेक्टर कनेक्ट किया है और सब कुछ आप समझ जाओगे। तो गाइस जो एंडिंग होगा, मतलब जब ही इसका अगला पार्ट आएगा ना, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इन लोगों ने एंडिंग ऐसे की है ना, कुछ कुछ राज छोड़े हैं इसमें, तो उस राजों का राज खुलेगा। और जब उसका आ रहा है एवेंजर्स एंड गेम का पोस्ट क्रेडिट एडिट आ रहा है, कुछ उन्होंने स्कैन एडिट किया है जिसमें कि बोले हैं कि टोनी स्टार्क फिर से वापस आएगा कुछ इस तरह का। और काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं डेडपूल के कुछ करेक्टर्स आने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम में, क्योंकि जो है जो डिस्नी और इसका मार्वल का कुछ सुना है मैंने कॉम्बिनेशन हो गया है कुछ, तो करेक्टर के इधर के उधर हो सकते हैं, और जो है एवेंजर्स एंड गेम को और काफ़ी मजबूत बनाने वाले हैं। तो गाइज देखो जाके
काफ़ी अच्छी मूवी है यार, ज़बरदस्त मूवी है, आपको बहुत पसंद आएगी गाइस। एमजे इज ब्यूटीफुल, स्पाइडरमैन ज़बरदस्त एक्टिंग, मिस्टीरियो इज ऑसम और निक फ्यूरी कमाल है यार। हैप्पी भाई तो हैप्पी हैप्पी हूँ, हैप्पी हैप्पी हूँ। तो गाइस जो है टोनी स्टार्क का जिक्र मूवी में थोड़े थोड़े टाइम बाद होता रहता है, इसके लिए थोड़ी कमी महसूस नहीं होती उसकी। सोचा नहीं था यार कि मतलब ये एंड गेम के बाद कोई मूवी आएगी, क्योंकि एवेंजर्स भी ख़त्म हो चुके थे, इधर उधर सब तितर बितर, जब बेचारा टोनी स्टार्क भी नहीं है तो कैसे क्या करेंगे, कहानी क्रिएट करेंगे। लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी है और एंडिंग सीन देख को आपको हैरानी होगी यार, क्या था ये सही में, मतलब थोड़ा अलग ही फील होता है। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो और लाल बटन है ना उसके साथ मुक्का मुक्का खेलो बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।